Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatima aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj hamare kitchen mein ban rahi hai badi hi mazedar restaurant style chicken karahi. To iske liye main jo ingredients chahiye use note down kar lete hain. Sabse pehle mere paas 2 kilo chicken hai. Maine isko choti boti mein kaat liya aur isi ke sath mere paas 3 dali pyaaz hai jinko humne बारीक स्लाइस में काटा है. एक प्याली मेरे पास दही है और अदरक लहसुन की पेस्ट है. ऑयल इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत. ये नमक है और इसी के साथ मेरे पास 2 चम्मच सूखी मेथी के हैं. मसालों में आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 टेबलस्पून भर के जो है वो सूखा धनिया पाउडर है. 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर है. 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्ची का पाउडर है. 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची. 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का है. 1 चम्मच जीरा है. 6 से 7 दाने साबुत काली मिर्ची के हैं. बेसिक गरम मसाला वो भी 1 टीस्पून है. और ये है मेरे पास 3 पॉट टमाटर और इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है. आप चाहो तो इनको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और इसी के साथ मेरे पास ये 6 से 7 हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने टमाटर में ही मिक्स कर दिया है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई शुरू करते हैं. रहीम की बरकत के साथ ये जो टमाटर हमने और हरी मिर्च काट के रखी थी इनको बगैर पानी डाले हुए सीधा एक बर्तन में डालेंगे. बर्तन में डालने के बाद इसको ज़रा सा हिलाएंगे और टमाटरों को हम कवर कर देंगे. जब तक ये टमाटर गलते हैं तब तक हम अपनी चिकन की मैरिनेशन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं. अच्छा जी, मैंने अपनी चिकन जो है मैंने एक पतीले में डाली. ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे इसमें डालेंगे और ये दही इसको भी इसी में डालेंगे. ये बड़ी ही जल्दी बन जाती है, बड़ा ही इसका इजी तरीका और ये बड़ी मज़ेदार बनती है. चिकन काट के रखेंगे 2-3 मिनट मिक्स करेंगे. सबसे ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे हम अपनी चिकन जो इसमें डाल देंगे. और ये साथ ही इसमें लहसुन की पेस्ट भी आप डाल दीजिए. सारे मसाले अपने दही में चिकन में लगा दिए. दही समेत जिंजर गार्लिक सारी चीज़ें. और इसको लगाने के बाद अब इसमें सिर्फ मैंने सूखा जो सूखी मेथी है वो नहीं डाली. चिकन हमारी मैरिनेट हो गई, टमाटर हमारे सॉफ्ट होने के लिए मैंने रख दिए और ये जो मैंने आपको प्याज दिखाए थे और ऑयल गर्म करेंगे, प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे और फिर आपको आपके दिखाएंगे. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ ऑयल जो मैंने डाल दिया थोड़ा और डालूँगी और बस. अगर ज़रूरत होगी तो फिर डालेंगे. ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा, मैं इस पर अपने प्याज जो है वो फ्राई करने के लिए डाल दूँगी. लाइट ब्राउन करेंगे अपने अनियन. ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इस पर अनियन डालेंगे और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम अपने अनियन जो है उसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं. हमारे रहीम देख लीजिए हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं और मेरे टमाटर जो थे ये काफ़ी जूसी थे इसलिए इन्होंने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है. लेकिन अगर आपको लगे कि टमाटरों में इतना रस नहीं है यानी वो बड़े साइज़ के हैं जूसी ना हो तो थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं. बस जैसे ही थोड़े से और ये जो है वो गलेंगे तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालें. ये मेरे पास हरी मिर्ची और लंबाई रुख कटा हुआ जिंजर है, थोड़ा सा हरा धनिया और ये सूखी मेथी. ये हम जो है इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे यानी दम लगाते वक्त. टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल गए यानी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से गल चुके हैं. अब इसको हम क्या करेंगे, चिकन और दही रखा था उसको डालेंगे इसमें. प्याज हमारे हो रहे हैं और बस अब इसको 2-3 मिनट जो है हम इसको कवर करके रखेंगे और उसके साथ ऑयल डालेंगे अपना, फिर इसको भूनेंगे और हमारी चिकन कढ़ाई रेडी. तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने अपनी चिकन दही तमाम मसालों के साथ जो है मिक्स किया. अब इसको कवर करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसका. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं कि
दही डालने के बाद उसने अच्छा खासा पानी जो है वो रिलीज़ किया है, तो इसकी वजह से चिकन भी जो है हमारी गल रही है, ये टमाटर में जो कमी रह गई थी वो भी हो जाएगी और इसकी बड़ी अच्छी ग्रेवी भी बनेगी। प्याज मैंने ब्राउन करके रखी है, बस थोड़ा सा ये पानी इसका कम होगा तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, उसको भूनेंगे और फिर अपनी कढ़ाई का खाना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो रही हैं। अब हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे, और इसको 10 मिनट जो है वो भूनेंगे अच्छे से। इसी के साथ जो मैंने अनियन अपने ब्राउन किए थे इसमें डालेंगे, अब बस इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें बेसिक गरम मसाला और सूखी मेथी, बड़ी ही मज़े की बनती है मसालेदार चिकन कढ़ाई जैसी हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे कढ़ाई के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। मैंने इसको 10 मिनट जो है वो अच्छे से भूना है, फ्लेम जो है हमने कम नहीं रखनी, थोड़ी हाई फ्लेम पे भूनेंगे और बस। अब हम इसमें जिंजर डालेंगे, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊंगी। आग इसकी बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डालूंगी ताकि दम में भी इसमें टेस्ट आ जाए। और ये जो सूखी मेथी आपको दिखाई थी देखिए, इसको हाथ से थोड़ा सा रब करेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। और इस पर थोड़ा बेसिक गरम मसाला जाएगा, मैं इसमें हाफ टी स्पून जो वो डालूंगी ताकि इसका कलर भी अच्छा रहे और टेस्ट भी आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब इसको 10 मिनट दम देंगे, उसके बाद डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो रेडी हो चुकी है, तो खाइए, इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।